आपकी तो होगी होगी, मगर मैं 3-4 दिन बाद में जाऊंगी। माँ उन्होंने मैसेज भेज दिया हो, उस वक्त हमारा प्रोग्राम नहीं बना था। माँ यहाँ 24 तक है। 24 तक है ना? 24। हाँ 24 तक। तो फिर वो कहते थे कि माँ के पास में जाना है।
कहने का तात्पर्य इसीलिए उस चेतन तत्व की दो अवस्था गिनी गई है, एक व्यवहारिक आत्मा है, एक पारमार्थिक आत्मा है। व्यवहारिक आत्मा जिसे आप कहते हैं कि वह आदमी मर गया, वह जन्म ले गया, वह दुखी है, वह सुखी है, वह अमीर है, वह गरीब है, ये जो संबोधन किए जाते हैं, वह व्यवहारिक आत्मा जिसे जीवात्मा कहा जाता है। परंतु याद रखो, वह व्यवहार के अंदर ही वह दुखी सुखी हो गया है, अमीर गरीब हो गया है, परंतु इसका स्वरूप जाती है, तब हम उस पारमार्थिक आत्मा में स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं, उस आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं जो अखंडानंद है, जो आनंद पुंज है, जो कभी आनंद तुमसे जा नहीं सकता, उसकी प्राप्ति होना यही हमारा लक्ष्य है। यह मनुष्य का अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना। आपको कीर्तन करने को कहा, आपको ध्यान करने को कहा, आपको और भी कथा श्रवण करने को कहा, उसके लिए आप देते भी यहाँ कर पाते लगाइए মা নিজে উঠে বলে দিলেন পাবলিক আচ্ছা এখানে কিছু লোক পূর্ণিমা প্রণাম দিদি এখান থেকে না টাকা দেবো।